अगेन फ्रॉम एबीसी स्किल्स एंड आज गाइस मैं आपके सामने एक और नई क्लास लेकर के आया हूं। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले गाइस आप सभी लोगों से सॉरी मांगना चाहता हूं क्योंकि हमने इस वीडियो बनाते हुए काफी ज्यादा टाइम लगा दिया। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस आज के चैप्टर की तरफ आते हैं क्योंकि आज मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ इन्फ्लुएंस अफेक्ट और इफेक्ट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट से पूछते भी है सर पढ़ी तक बिटवीन अफेक्ट एंड इफेक्ट और बहुत लोगों में डिफ्यूजन रहती है अफेक्ट और इन्फ्लुएंस के बीच में भी। तो मैंने सोचा कि क्यों इसकी वीडियो मतलब नोट कर दी जाए, चलिए देखते हैं इसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो कहीं जो इन्फ्लुएंस है इसका मतलब है प्रभाव डालना किसी की मनोस्थिति पर। आप देखते हैं गाइस कई लोग अपने डिसीजन किसी और के कहने या फिर किसी और के एक्शन की वजह से अपने डिसीजन को चेंज कर देते हैं, मतलब उनकी मनोस्थिति बदल जाती है। तो उसके लिए गाइस इन्फ्लुएंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपको दूंगा, एक पर्सन है उसका चाइल्डहुड से एक ड्रीम है जब से वो छोटा था कि वो एक अच्छे इंजीनियर बने। उसने इस ड्रीम को साथ रखा बीटेक की एंड आफ्टर दैट वो सोचते कि मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। लेकिन उसके कुछ फ्रेंड्स हैं वो क्या कर रही है गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रही है अच्छे तरीके से और उनके जो माहौल है वहां भी इसे भी बातचीत हो रही है कि गवर्नमेंट सेक्टर में ये बेनिफिट्स है ये बेनिफिट्स है। तो वो पर्सन है जो बीटेक करके भी पास हुआ है जिसका सपना था उसका डिसीजन इन बातों को सुनकर के एकदम इन्फ्लुएंस होता है, उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है। तो इस केस में हम लोग क्या कहते हैं डोंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस हिज डिसीजन, कोशिश मत करो उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने। इस तरह से आप यूज भी कर सकते हैं इन्फ्लुएंस को। हमने भी गाइस देखा है कई बार आप क्या होता है आपको देसी भाषा में समझाओ, आप लोग सपोज कीजिए किसी जगह जा रहे हो, आप लोग डॉक्टर के पास जा रहे हो लेकिन या फिर पार्क पार्क में जा रहे हो। अब आपके पास थोड़े से पैसे अलाउ मतलब पैसे हैं लेकिन आपके सामने देखा एक शॉप पे चाउमीन बिक रही है तो आपके मुंह में थोड़ा पानी आता है तो आप उसकी तरफ इन्फ्लुएंस होते हो क्योंकि आपका मन की स्थिति बदलती है ना। तो वह गाइस आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। तो ये है आपका इन्फ्लुएंस। जो दूसरे गाइस वो है अफेक्ट, इसका मतलब ये प्रभाव डालना ही होता है लेकिन इसमें एक अंतर है क्योंकि इसमें गाइस आपके मन से कोई रिलेटेड नहीं है, आपको कोई मन से नहीं प्रभाव डालता। जैसे एग्जाम्पल है जंकुड अफेक्ट सर बॉडी, ये हमारी बॉडी पर इफेक्ट डालता है मतलब कि प्रभाव डालता है। जंकुड है ये हमारी बॉडी पर प्रभाव डालता है। अब इसमें गाइस हमारा मन तो कोई गोल नहीं है, इसमें अपने जंक फूड खाया तो ये अफेक्ट करेगा मतलब प्रभाव डालेगा आपकी बॉडी पर। ऐसे हम लोग कहते हैं कि जो टेलीविजन है या फिर मोबाइल फोन से आजकल की जनरेशन में ये हमारी आंखों पर अफेक्ट करते हैं, इट अफेक्ट्स ऑन आवर आईज, हमारी आंखों पर प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे गाइस अफेक्ट का मतलब प्रभाव डाला है लेकिन आप फर्क दोनों में समझ गए होंगे। इसमें हमारे मन पर प्रभाव डालता है और इसमें हमारी बॉडी या फिर किसी और चीज पर मन से रिलेटेड नहीं आता है, इसका सिंपल मतलब प्रभाव डालता है। थर्ड है हमारा इफेक्ट। अब हम डिफरेंस में बात करेंगे इफेक्ट और इफेक्ट के बारे में। इसमें गाइस क्या है, ये अफेक्ट है जो ये है आपकी वर्ब यानी क्रिया और इफेक्ट है आपका नाउन यानी संज्ञा। इफेक्ट का मतलब खारी प्रभाव है, जैसे इसमें एग्जांपल गिवन है इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फोन्स कैन बी डेंजरस, जो प्रभाव है मोबाइल फोन का वो डेंजरस हो सकता है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल गाइस आपको दूंगा मैं कि जैसे आप देखते हो कि जैसे कई लोग पोल्यूशन बहुत ज्यादा है आजकल, तो जो पोल्यूशन है ये प्रभाव मतलब किस पे डालता है हमारे वातावरण पे, ठीक है। सो पोल्यूशन अफेक्ट्स आवर एनवायरनमेंट मतलब डालता है, इसमें हमने वर्ब के तौर पे लिया। नेक्स्ट हम इसको नाउन के तौर पे भी लेते हैं, इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन इज टू डेंजरस फॉर आवर एनवायरनमेंट, जो इसका प्रभाव है पोल्यूशन का बहुत खतरनाक है हमारे वातावरण के लिए, हमने इफेक्ट यूज कर लिया। अब गाइस मेरे अकॉर्डिंग टू मी आपको इन तीनों के डिफरेंस सॉरी हाँ जी तीनों के डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो सो प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक भी कीजिए एज वेल सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि हमारे कोई पैसे नहीं लगते ना सब्सक्राइब करने के ना शेयर करने के ना लाइक करने के। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन एज वेल, उनको भी मतलब भूलिए मत बेल आइकन को प्रेस करने के लिए। चलिए हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। Till then, give your best and have a nice time. Thank you very much.